गंदा है। आप लोगों की लगातार 4 दिन से हड़ताल चल रही थी, आज जो अधिकारियों से बात भी हुई, क्या इसका निकला क्या? सर हमारी जो हड़ताल चल रही थी और जो अधिकारी आज ही नहीं 3-4 दिन से बराबर हमारे पास आ रहे हैं, एक रिक्वेस्ट लेके आए थे कि अपनी हड़ताल खोल दीजिए, लेकिन उसमें बात कुछ मिली, कुछ आश्वासन नहीं मिला है। लेकिन आज ये हुआ कि इन्होंने हम सभी कर्मचारियों की गाड़ियों की चाबियां छीन ली है, तो हम लोगों ने अभी स्वेच्छा से इनको चाबियां दे दी हैं। अब वो इनकी जिम्मेदारी है कि इनको कैसे चलवाना है कैसे नहीं चलवाना है, क्योंकि मैं आपको एक बार बता दूँ जानकारी के लिए कि ये एम्बुलेंसेस हमारी इमरजेंसी सेवा में चलती हैं, इसमें हमारी शिक्षित प्रशिक्षित स्टाफ बैठे हुए हैं। शासन के निर्देश पर अब जिला प्रशासन एक्शन में आ गया। एम्बुलेंस हड़ताल पर जिला प्रशासन ने जीवीके कंपनी के अधिकारी को तलब कर हड़ताल कर रहे एम्बुलेंस कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया। साथ ही नए एम्बुलेंस चालकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई। सिटी मजिस्ट्रेट ने हड़ताल करने वाले कर्मचारी के खिलाफ इस्मा कानून के तहत विधिक कार्रवाई करने की बात कही। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा शाम तक सभी एम्बुलेंस की सेवाएं विधिवत बहाल कर ली जाएंगी। यूपी में 112, 108 एम्बुलेंस सेवा के लिए चालक व स्टाफ का टेंडर जीवीके कंपनी के पास है। यूपी के सभी जिलों के साथ ही उन्नाव में पिछले 4 दिनों से एम्बुलेंस चालक व अन्य स्टाफ मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताल पर सरकार सख्त हो गई। गुरुवार की सुबह सिटी मजिस्ट्रेट चंदन पटेल सीओ सिटी के साथ जिला अस्पताल पहुंचे। एम्बुलेंस चालक हड़ताल कर रहे, सिटी मजिस्ट्रेट ने चालकों को समझाने की कोशिश की, लेकिन एक की न सुनी गई। मांगे पूरी न होने पर हड़ताल पर रहने की जिद पर अड़े रहे। कंपनी के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर हड़ताल कर रहे एम्बुलेंस चालकों की सेवा समाप्ति के आदेश दे रहा। देखिए एम्बुलेंस के जितने ये हमारे ड्राइवर और स्टाफ थे, इनके द्वारा जो धरना किया जा रहा था, तो इनके आम सहमति से इनके द्वारा पहले कहा गया था कि इमरजेंसी सेवा के लिए आप जो है गाड़ियां चलाइए, ये 24 गाड़ियां चलाएं, 24 गाड़ियों से ज़्यादा ये चलाने की स्थिति में बता दिए कि नहीं है, हम नहीं चलाएंगे। जबकि ये जनपद बड़ा है, यहाँ पे 16 ब्लॉक हैं और आबादी 30 लाख के करीब है, इसलिए किसी भी पेशेंट को परेशानी ना है, वो किसी भी मरीज के साथ कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए सभी एम्बुलेंसों को क्रियाशील कराया जाना अति आवश्यक था। इनको विकल्प दे दिया गया था कि आप अपने एम्बुलेंस का संचालन करिए, साथ में आप अगर अपना धरना प्रदर्शन का समर्थन करना चाहते हैं वो भी करिए, इसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए और इनको ये भी विकल्प दिया गया था कि आप स्वेच्छा से अगर जो जो चलाना चाहते हैं वो चलाइए, लेकिन सामूहिक रूप से इन लोगों ने एम्बुलेंस चलाने से मना कर दिया है। जीवीके कंपनी द्वारा अपने ड्राइवर की रिक्रूटमेंट की जा रही है, नए ड्राइवर की रिक्रूटमेंट के बाद की जा रही है और नए ड्राइवर के रिक्रूटमेंट से हम लोग नए पूरे एम्बुलेंसेस का संचालन करेंगे और किसी भी मरीज को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने देंगे। और अगर इनके द्वारा जो भी आवश्यक सेवा में बाधा पहुंचाई गई है उसके लिए जो विधिक कार्रवाई होगी एस्मा के खिलाफ, इनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। अभी तक हमारे पास 40 ड्राइवरों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, 20 गाड़ियों का अलॉटमेंट भी बन गया है, लगातार रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, हम सभी गाड़ियाँ शाम तक क्रियाशील करा देंगे।